रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी आग्नेयां षोडशी पातु याम्यां धूमावती स्वयं नैरित्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी। दुनिया के लिए भारत किसी रहस्य से कम नहीं। आसे तो हिमालय तक फैली इसकी सीमाएं पृथ्वी पर अद्भुत चित्र उकेरती हैं। कल कल बहती सदा नीरा नदियां, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, तीर्थ और धाम मिलकर कुछ अलग ही आभा बिखेरते हैं। पूर्वोत्तर के सुंदर प्रदेश असम की राजधानी गुवाहाटी के किनारे नीलाचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या धाम इन शक्तिपीठों में प्रमुख स्थान रखता है। प्राच्यां रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी आग्नेयां षोडशी पातु याम्यां धूमावती स्वयं नैरित्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी। देवी सती का एक रूप है माँ कामाख्या। असम में नीलाचल पर्वत पर विराजमान ये शक्तिपीठ भारत की आध्यात्मिक परंपराओं का जीवंत प्रतिरूप है। मान्यता है कि माँ कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ माता सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। इसे सबसे पवित्र और प्राचीन शक्तिपीठ माना जाता है। ये भारत में व्यापक रूप से प्रचलित शक्तिशाली तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र बिंदु है। नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित ये मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। देवी कामाख्या का ये सिद्ध पीठ एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी और शक्तिशाली मंदिर है जहां दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। माँ शक्ति के विभिन्न रूपों को समर्पित कामाख्या देवी मंदिर से अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने भगवान शिव के घोर अपमान के बाद अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्राणों की आहुति दे दी थी, तब क्रोधित भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर तांडव किया। शिव को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में तोड़ दिया। धरती पर जिन स्थानों पर देवी सती के श्री अंग गिरे वहीं पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। देवी सती का योनि अंग जिस स्थान पर गिरा वह स्थान आज माँ कामाख्या देवी सिद्ध पीठ नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर की उत्पत्ति के बारे में एक और कहानी है। अहोम राजाओं के साथ लड़ाई के दौरान कोच राजा विश्व सिंह नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और मनोकामना पूरी होने के बाद मंदिर बनवाया। बाद में इस मंदिर को गौर सुल्तान के मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने नष्ट कर दिया। 1565 में कोच राजवंश के शासक चलाराई द्वारा मंदिर को पुनः निर्मित कराया गया। मंदिर में 3 प्रमुख कक्षों से बनी वर्धमान संरचना को एक पवित्र परिसर माना जाता है। अम्बुवाची मेला कामाख्या मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष में हर साल आयोजित किए जाते हैं। इस मंदिर में दुर्गा पूजा, दुर्गा देउल और मदन देउल सहित कई अन्य पूजाओं का भी आयोजन किया जाता है। जल्द ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर कामाख्या कॉरिडोर बनाया जाएगा और देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र कामाख्या शक्तिपीठ एक नए रंग और रूप में नजर आएगा। माँ कामाख्या धाम भारत की आध्यात्मिक धारा का अनुपम प्रवाह है। यही भारत की जीवनी शक्ति और ऊर्जा का अनंत स्रोत है। भारत की भूमि अपनी कुछ इन्हीं विशेषताओं के कारण अद्भुत है, अप्रतिम है।